साइंस टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट टू का देख लेते हैं, मीन्स चैप्टर सिक्स के आगे से, सिक्स या सिक्स से आगे से देखेंगे। पेज नंबर आप 75 पे आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में आप फ्रॉग का कर लीजिए, एलिफेंट का कर लीजिए। एलिफेंट और बैट का सेम ही होगा, मीन्स उसका फाइलम लिखना है, क्लास लिखना है, वो वगैरह सब आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री कर लीजिए। राइट इन ब्रीफ अबाउट प्रोग्रेसिव चेंजेस इन एनिमल क्लासिफिकेशन, न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है, विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था और एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था, वो सब आपको चर्चा उसके बारे में करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का भी डिस्टिंग्विशिंग क्या है, एकिनोडर्मेटा के में क्या फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सी, डिस्टिंग्विश बिटवीन बटरफ्लाई एंड बैट विद द हेल्प ऑफ द फोर डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है का है। नेक्स्ट उसके बाद मेरी राय में ये क्वेश्चन नंबर सिक्स के जो चार गिव रीजन है पूरा कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये मदद ज़रूर कर देगा आपको पेपर में। फिर उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको करना ही है सब कुछ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बस ठीक है, इतना नहीं करेंगे चलेगा, इतना कर लीजिएगा। और इस चैप्टर में और भी बता देता हूँ क्या करना है, और उसके लिए आप, हाँ ये इसके लेबलिंग कर लीजिएगा, पैरापोडिया वाला और अर्थवर्म का, ये दोनों का आप लेबलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ये डिप्लोब्लास्टिक टिप्लोब्लास्टिक का डिस्टिंग्विश पढ़ लीजिए, डिप्लोब्लास्टिक टिप्लोब्लास्टिक का। एंड उसके बाद ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूरा टेबल, ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर सेवन की तरफ। करते हैं चैप्टर सेवन में, आप आ जाइए पेज नंबर 86 पे। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स तो सब कर लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग सब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का ये, हाउ कैन द ऑयल स्पिल ऑफ रिवर एंड ओशंस बी क्लियर, कौन से बैक्टीरिया वगैरह यूज होते हैं वो, माइक्रोब्स वगैरह। फिर उसके बाद वाइज इट नेसेसरी टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, वो ये फ्लो चार्ट कर लीजिएगा। जैंतम गम का भी फ्लो चार्ट कर लीजिएगा, ये स्वेज आफ्टर प्रोसेसिंग का भी फ्लो चार्ट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर एट का ए कर लीजिए, वॉट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन कंपोस्ट प्रोडक्शन। चलिए और कौन सा इंपॉर्टेंट है, और इनका माइक्रोब्स का, इनको बायो रेमेडिएशन कहते हैं क्योंकि ये कचरे को खत्म करते हैं ना, इसलिए बायो रेमेडिएशन कहते हैं। एल्केनोबैरस, बॉर्क्यूमेनेसिस, सीडोमोनास, एसिडोबैसिलस और जियोबैक्टर, ये चारों का आप कर लीजिएगा, नाम वगैरह याद कर लीजिए। ये ड्राइंग, ये लेबलिंग के साथ भी आ सकता है, इसमें पूछेंगे कौन सा कचरा यूज़ होता है तो आपको लिखना डिग्रेडेबल वेस्ट यूज़ कर रहा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। नेक्स्ट, इसमें से बनता क्या है, इसमें से बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट बनता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए, हाँ सबसे हार्ड चीज़ कौन सा है, तो परमेशन चीज़ है ना, सबसे हार्ड चीज़ है पनीर, सबसे हार्ड पनीर है, वो कर लीजिएगा। बस चलिए फिर आगे बढ़ते, चलिए चैप्टर नंबर एट पेज नंबर 99 पे आ जाइए। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है आप उसे कर लीजिएगा, फिर ये कर लीजिए मैच द फॉलोइंग और री राइट द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट का, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल यूजेस, ये कर लीजिएगा। और प्रोफेशनल यूजेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स कर लीजिएगा, उसमें एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा एडुलसा वगैरह का। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का महत्व और वैक्सीनेशन आजकल सेफ क्यों हो गया है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एंटीजन हम लेबोरेटरी में ही बना लेते हैं उसका सब कारण लिखना पड़ेगा। मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का फ्लो चार्ट कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप आ जाइए, ये जो कोरिलेशन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर एट का, इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलिए अभी आगे देख लेते हैं इसमें क्या ज़रूरत है। और इसमें आप देख लीजिए एपिकल्चर मतलब क्या होता है, तो वो हनी बी की जो कल्टी फार्मिंग करते हैं। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, ब्रू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ये डिंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रीन रेवोल्यूशन का आप पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये डॉली शीप जिनका क्लोनिंग हुआ था, और ये इसमें से आपका मैच द फॉलोइंग बन सकता है। हाँ, ये ट्रांसजेनिक पोटेटोस, ट्रांसजेनिक पोटेटोस, ये पोटेटोस खाया जा सकता है, तो ये ट्रांसजेनिक पोटेटोस के बारे में पढ़ लीजिए, इनके लेबलिंग वगैरह पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है प्रैक्टिस पेपर में। नेक्स्ट, उसके बाद ये बीटी कॉटन वगैरह और बीटी ब्रिंजल इस्तेमाल होने से खाद या पेस्टिसाइड पे जो खर्चा होता था वो कम हो गया वो। और ये जो एजोला है, एजोला की खास बात क्या है कि इसमें वर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, वर्म्स को मारने की खास बात होती है, तो एजोला का ये फिलिंदा ब्लैंक्स भी याद रखिएगा एजोला का। और नेक्स्ट ये स्टेम सेल का देखिए, स्टेम सेल किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन आता है एग्जाम में, व्हाट इज कॉल्ड स्टेम सेल, तो आपको लिखना पड़ेगा, और स्टेम सेल कहाँ मिलता है वो आपको करना पड़ेगा। और ये भी आप कर लीजिए, अगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करना चाहो तो कर लो, 21 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, करना चाहो तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट।
चलिए आ जाइए पेज नंबर 108 पे। 108 पे आप सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 का बी कर लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कीजिए, पज़ल पूरा आएगा। नेक्स्ट बस इतना ही है, चलिए आगे करते हैं। और ये आगे करते हैं, आगे क्या है तो उसका देखिए जी। लाफ्टर क्लब अगर आप स्ट्रेस मैनेज कैसे करोगे, तो हम स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकते हैं, हम लाफ्टर क्लब जाके कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, अपने हॉबीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये साइबर क्राइम के कई प्रश्न हैं कि ये लोग कैसे साइबर क्राइम करते हैं और इनसे बचने का तरीका, जैसे हमको पास मोबाइल पे मैसेज आता है ना कि OTP शेयर मत करीजिएगा, वैसा सब। और इनसेंसिटिविटी देखिए ना, कोई कोई विक्टिम है और जो घायल हो चुका है, जो इंजर्ड है, लोग उसकी फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं, तो इनसेंसिटिव लोगों को आप कैसे समझाओगे, ऐसा ड्राइंग दिया और प्रश्न आपके ओपिनियन पूछे। नेक्स्ट ये बुजुर्गों को देखो किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, इस पर भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मीन्स आपको तस्वीर दे दी गई है और आपको बताया जाएगा क्या है करके। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, इसमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट आप बाहर रख लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा आप करना है आप कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। चलिए बचते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर 10th की। चल आ जाइए, चले आ जाइए पेज नंबर 119 पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का क, नेचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वो कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये सिंबल, ये सारे सिंबल के नाम पढ़ लीजिएगा और इसको तो आप समझ के बाद में अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 9 का ये मॉक ड्रिल का आंसर कर लीजिए और इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट मेक्स अ वेल प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर वो वाला आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट और इसके अंदर आप और क्या कर सकते हो, इसके अंदर हाँ ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, वो आंसर में कवर हो जाएगा जो पीछे हमने मार्किंग किया है, ठीक है। और बस ऐसी कोई आपदा की तस्वीर दे देंगे, बोलेंगे ये क्या, ये क्या, बताइए इससे बचने का तरीका वगैरह बताइए, जिसे आप अपने कॉमन सेंस से बहुत बढ़िया से लिख सको। आप इतना करके जाओगे तो पेपर आपका बहुत बढ़िया जाएगा। इतना करने के बाद आप प्रैक्टिस पेपर को पूरी तरह एक बार और अच्छे से कर लीजिए, आपका पेपर ज़रूर बहुत अच्छा जाएगा। आपने समय निकाल के वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।